इस वीडियो पे आप आम का पेड़ का ब्रांच को पानी में कैसे बहुत आसानी से घर पर ही पौधा बना सकेंगे जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक अच्छे से देखिएगा ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। तो चलिए बेवजह आपका वक्त बर्बाद न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आम का पेड़ का एक ब्रांच ले ले और इस तरह कट करके पत्तों को छांट ले। अब कटे हुए ब्रांच का दोनों साइड को टूथपेस्ट से पेस्ट कर ले। अब एक कांच का ग्लास पर स्पॉन्ज कट करके बिठा ले। अब साफ पानी से ग्लास को आधे से थोड़ा ज्यादा भर ले। अब थोड़ा एलोवेरा का स्लाइस कट करके पानी में डाल ले। अब स्पॉन्ज को ग्लास पर बिठाकर ब्रांच को ग्लास पर इस तरह डालकर स्पॉन्ज को वाटरिंग करके एक प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास से ढाप कर हल्के छायादार स्थान पर रख दे। सात दिन बाद डिस्पोजेबल ग्लास को हटाकर रूटिंग वाला ब्रांच को ग्लास से निकाल ले। अब एक पॉट पर कंपोस्ट मिक्स गार्डन सोइल ले ले। अब स्पॉन्ज को कट करके ब्रांच से हटाकर ब्रांच को पॉट पर अच्छे से लगाकर वाटर स्प्रे कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और प्रतिदिन इसी तरह का बेहतरीन प्लांट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।